दोस्तों आज मंडे नाइट रो की 30th एनिवर्सरी पर दी अंडरटेकर अमेरिकन बेडास की गिमिक में अपना रिटर्न करते हैं और बाइक के साथ इंट्रेंस करते हैं। ऑडियंस उन्हें काफी चीयर करती है और दोस्तों यहां पर दी अंडरटेकर WWE यूनिवर्स के लिए कुछ सेगमेंट कुछ प्रोमो कट करने वाले थे और वहां पर दोस्तों एले नाइट उन्हें इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि अब से जो डार्क है उसका लॉर्ड एले नाइट है और दी अंडरटेकर को कहते हैं कि तुम रिटायरमेंट को एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ। जिसके बाद एले नाइट दी अंडरटेकर को कहते हैं कि रॉयल रोमल में पिच ब्लैक मैच जरूर देखना क्योंकि उसके बाद एले नाइट लॉर्ड ऑफ डार्क होंगी। जिसके बाद दोस्तों लाइट्स ऑफ होती है और ब्रे वाइट अपनी एंट्रेंस करती हैं जिसके बाद एले नाइट भागते भागते रिंग में चले जाते हैं और यहां पर दी अंडरटेकर एले नाइट को कैच कर लेते हैं और चोक स्लाम लगाने की कोशिश में थे। जिसके बाद ब्रे वाइट रिंग में पहुंचते हैं और दी अंडरटेकर एले नाइट को ब्रे वाइट की तरफ धकेल देते हैं और ब्रे वाइट एले नाइट को सिस्टर एविगेल लगाते हैं एंड उसके बाद पास्ट अपने प्रेजेंट यानी दी अंडरटेकर ब्रे वाइट के साथ फेस टू फेस होते हैं एंड दोस्तों यहां पर ब्रे वाइट दी अंडरटेकर को रिस्पेक्ट दिखाते हैं और दी अंडरटेकर ब्रे वाइट के कान में कुछ कहते हैं जिसके बाद ब्रे वाइट उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं एंड दी अंडरटेकर वहां से चले जाते हैं और ब्रे वाइट रिंग में रहते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रिपल एच ने ये बुकिंग काफी कमाल की करी है, दी अंडरटेकर एंड ब्रे वाइट को फेस टू फेस ला दिया जो कि काफी कमाल का था। वैसे आपको ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके बताओ, वीडियो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।